कैसे आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं उस्मान मुख्तार की शादी के बारे में, उनकी वेडिंग पिक्चर्स के बारे में जो उन्होंने कुछ टाइम पहले ही शेयर की हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, उस्मान मुख्तार एक बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। उन्होंने सिर्फ अपना जो स्टार्ट ही है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, पाकिस्तान इंडस्ट्री में किया था मूवीज़ से, और उसके बाद उन्होंने सिर्फ दो ड्रामे किए, अना और सबाहत, जिसमें उन्होंने लीडिंग करेक्टर प्ले किया और वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उन्होंने राज कर दिया। उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी है, प्लस वो बहुत ज़्यादा फ़नी भी हैं। तो उन्होंने अपना जो है करियर का आगाज़ मूवी से किया था, लेकिन उसके बाद जो उन्होंने ड्रामास किए थे वो था नेमल खावर के साथ, जिसमें नेमल खावर एट द एंड उनकी और नेमल खावर की शादी हो गई थी, और उसके बाद कुछ टाइम बाद ही नेमल खावर की हमसाली वासी से शादी हो गई। फिर उन्होंने जो करेक्टर प्ले किया वो किया था सबाहत में अना के बाद उन्होंने सारा खान के साथ, सारा खान उनकी वाइफ बनी थी, और उसके कुछ ही टाइम बाद सारा खान की भी शादी हो गई, जिसमें लोगों ने उनका बहुत मजाक उड़ाया और उनसे पूछा भी गया कि आप जिसके साथ आ रहे हैं उसकी शादी हो रही है तो आपकी शादी कब होगी, जिस पर उन्होंने इतना ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बट उन्होंने ये ज़रूर बताया था कि हाँ जी कोई है जिससे मेरी शादी होने वाली है। अपने फैंस को उन्होंने थोड़ी सी हिंट ज़रूर दी थी, अगर आप लोगों को याद हो तो उन्होंने अपने फ़ैन्स को हिंट ज़रूर दी थी, लेकिन बताया नहीं था कि कौन है। और अब उनके फ़ैन्स के साथ जब उन्होंने पिक्चर शेयर की तो लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए, और उनकी एक्टिंग के बहुत लोग फ़ैन हैं कि उनके सिर्फ दो ड्रामास के बाद ही जो है उनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत बढ़ गई थी। तो चलिए हम पिक्चर्स की तरफ चलते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्यूट पिक्चर्स हैं जो उन्होंने आज शेयर की, तो बहुत ज़्यादा क्यूट पिक्चर्स हैं जो कि उन्होंने अपनी वाइफ के साथ शेयर की। इनकी वाइफ का नाम है जुनैरा ईमान, और इनकी वाइफ जो है वो आप लोग देख सकते हैं कितनी क्यूट सी हैं। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से नहीं है, पाकिस्तान इंडस्ट्री से नहीं है इनकी वाइफ, और साथ साथ उन्होंने जो है बताया भी कि मैंने बहुत छोटी सी जो है एक सेरेमनी की, निकाह सेरेमनी की, और उसमें अभी निकाह की पिक्चर्स उन्होंने पोस्ट भी की हैं, और उन्होंने एक लेटर भी कहा कि हमें एक बड़ा फंक्शन करना था 2 अप्रैल को, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम नहीं कर पाए, इसलिए हमने एक बहुत छोटा सा फंक्शन किया। और उन्होंने अपनी वाइफ के लिए एक बहुत प्यारा सा नोट भी लिखा जो कि आप लोग भी देख सकते हैं, और उसमें उन्होंने पिक्चर्स भी बहुत ज़्यादा क्यूट क्यूट पोस्ट की हैं। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कपल कैसा लगा। कुछ पिक्चर्स मैं आके डाल रही हूँ ताकि आप लोग वो देख सकें, निकाह पिक्चर्स। आई होप आप लोगों को कपल अच्छा लगा होगा। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, मेक श्योर टू कॉमेंट एज वेल। अपनी आए मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कपल कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।